और अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामे के साथ स्थगित हुआ और सत्र में 12 विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन सरकार को रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला समेत कई मुद्दों पर विपक्ष से दोचार होना पड़ा। कोरोना की वजह से हरियाणा विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया, लेकिन एक दिन के सत्र में ही कई मसलों को लेकर हंगामा देखने को मिला। और मैं इनके जवाब मिल जाएगा जवाब नहीं हूँ और मैं जवाब से ये जो सेशन है क्योंकि मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अपनी सप्लीमेंट्री तो पूछूंगा। विपक्ष ने कोरोना को ही मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेर लिया। कांग्रेसी विधायक करप्शन इन कोविड लिखे मास्क पहनकर विधानसभा में पहुंचे और कोरोना काल में घोटाला करने का आरोप लगाया। 30,000 रजिस्ट्रियां हुई है कोरोना की आड़ में, जो लूट हुई है हरियाणा में हर शहर में। मैं हमने पहले कई दफा मांग रखी है, क्या सीबीआई की इंक्वायरी होगी? मतलब अपने हाथ से तो घोटाला मानता है, इस हाथ से घोटाला, इससे क्लीन चिट। तो किस तरह के लोगों को आज इस तरह की जिम्मेवारियां दे रखी है, जो लूटने में भी लगे हुए हैं, लूट करके अपने आप को एक हाथ से लूटते हैं, दूसरे हाथ से अपने आप को क्लीन चिट देते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष घोटालों के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। हुड्डा साहब कह रहे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी प्रदेश में, हुड्डा साहब सीबीआई इंक्वायरी बहुत चल रही और हमारी सरकार में ये गारंटी है दमाद जी वाला केस नहीं। स्पष्टता के साथ हम दम रखते हैं कि हमें एक्शन लेना हो तो मजबूती के साथ हम एक्शन लेने का काम करते हैं। सारा सौदेबाजी है सरकारों की और कुछ भी नहीं है। और हर सरकार में हुई है, कोई यूं कहे मैं दूध का धोया हूं, बिल्कुल वही बात है, कोई दूध का धोया नहीं इसमें, ना अब वाले हैं ना पहले वाले। बेशक घोटालों को लेकर सरकार सफाई दे रही हो, लेकिन कोरोना काल के दौरान रजिस्ट्रियों में हुई भारी धांधली, वही शराब घोटाला हो गया। अब यही धांधलियां सरकार के लिए सदन में भी गले की फांस बन गई। राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और कुछ अहम जो संशोधन पारित हुए उसकी जानकारी आपके सामने। दरअसल कौन कौन सी विधेयक? हरियाणा ग्रामीण विधायक विकास संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं और संरचना का प्रबंधन विधेयक है। हरियाणा लिफ्ट्स और एस्केलेटर अधिनियम संशोधन विधेयक भी इसमें शामिल है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। हरियाणा नगर पालिका संशोधन बिल है। इसके अलावा हरियाणा अग्निशमन सेवा संशोधन विधेयक भी है। साथ ही हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क संशोधित बिल पास किया गया है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास विनियम बिल को भी संशोधित तरीके से पास कर दिया गया है और इसका संशोधित बिल रखा गया है और इसको पास कर दिया गया है। और हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक को भी पास किया गया है। आपको ये भी जानकारी हम देते चले कि इसके अलावा हरियाणा विनियोग जो संशोधित बिल है उसको पास किया गया है। तो हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020 को भी पास कर दिया गया है। ये अहम बिल है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर संशोधन बिल भी इसमें शामिल है। और आज के पारित हुए बिल में सबसे अहम बिल हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन विधेयक बिल रहे हैं। इनमें सरकार के ने कर्जा लेने की लिमिट बढ़ाई है। इससे पहले कुल जीडीपी का 3% तक कर्ज लिया जा सकता था, लेकिन अब बढ़ाकर 5% तक इसे कर दिया गया है। यानी सरकार अब जीडीपी का 2% ज्यादा ऋण और ले पाएगी। विपक्ष पहले ही हरियाणा को कर्जे में डुबोने की बात का आरोप सरकार पर लगाता रहा। ऐसे में यह बिल एक विवादास्पद बिल हो सकता है।